हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं चेस्ट का वर्कआउट दिखाऊंगा किस तरह से अलग डिफरेंट चीज से हो सकता है। उससे पहले इसको आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो डाल सकूँ, जिससे आप देख सको और लाइक कर सको। ठीक है, आज मैं जो चेस्ट का वर्कआउट लेके आया हूँ वो आपका स्टेमिना भी बढ़ाएगा एंड बॉडी पंप बहुत ज़्यादा जल्दी से होगा। ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से क्या थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको देखना और फॉलो करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। लव आ जाइए, जैसे लव है ये आपको अभी बेंच मैं इसको करवाऊंगा, बेंच पोजिशन दिखाऊंगा कैसे होगी, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वर्कआउट बिना रेस्ट करे वो भी कराऊंगा आपको देखना है। आप देख सकते हैं पोजीशन, प्रॉपर हाथ इसके नीचे जा रहे हैं, ये मसल पूरा खींच रहा है। 10 से 12 आपको टोटल रेपिटेशन निकालने हैं, ज्यादा नहीं करने, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा कैसे करना है इसको आपको। शाबाश, वेरी गुड। हाँ ठीक है, अब बिना ब्रेक लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको दिखाऊं। मैं बेंच पे डंबल होता है, लेकिन मैं बेंच पे डंबल ना करके एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाया हूं। लव आओ, अब आप देख सकते हैं आप कंफ्यूज हो गए ये कैसी एक्सरसाइज है। इसमें हाथ एक लिमिट तक नीचे जाएंगे, इसके आगे नीचे जाएंगे नहीं। ये बैक चेस्ट देखिए कैसे प्रेस हो रही है, पूरा मसल पे आ रहा, कहीं नहीं आ रहा था जो। चलो थोड़ा स्लिप, वेरी गुड, हाँ टच करके दिखाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप उसको फॉलो करोगे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। कोई इसमें बैक पोजीशन नहीं लेगी, कोई डर नहीं, कोई बैक में दर्द नहीं आ सकता इसमें, एकदम प्रॉपर पोजीशन है, आप तो देख सकते हो। चलो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम इंक्लाइन प्रेस करेंगे। ठीक है, लगा आ जाओ, आपको नॉन स्टॉप ही वीडियो से दिखा रहा हूं जो आपने करनी है, उसके बाद उसको भी नॉन स्टॉप ही करना है। आप पोजीशन देखो, फिर पीछे रखना इसको, अपर मसल पे आइए, शाबाश, इसमें सेम रैप रहेंगे 10 से 12, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहा है डंबल इंक्लाइन डंबल प्रेस करेगा, मैं दोनों डंबल नीचे कर ले। अब आप देखो दोनों हाथ पूरे प्रेस हो रहे हैं, पूरा मसल पूरा ऊपर दब रहा है। हां शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अब हम करेंगे अपना बेंच साइड बेंच फ्लाई। ठीक है, लव आ जाओ, अच्छा पूरे आप प्रेस होंगे, आप देख सकते हो दोनों मसल पूरे प्रेस हो रहे हैं, शाबाश, पूरे पूरे प्रेस हो रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। थोड़े से पोजीशन गड़बड़ हो सकती है क्योंकि लव थक चुका है काफी ज्यादा, नौ से वर्कआउट मार रहा है वैसे भी, तो आप ये ना सोचे पोजीशन गलत है, इससे मैं ज्यादा रैप नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मसल काफी थक चुका है, नौ से भी वर्कआउट मार रहा है, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे इंक्लाइन डंबल फ्लाई, डबल लव डबल फ्लाई वापस, तो मैं आपको कौन सा बताऊंगा कि किस टेक्निक से वेट और एक्सरसाइज करनी है, कैसे मारना है। चल ज्यादा रैप नहीं करवा रहा, तो इसका मसल काफी थक चुका है, और मैं नॉन स्टॉप वीडियो बना रहा हूँ,
आके लो डिक्लाइन पे आ जाओ। डिक्लाइन प्रेस रोल कर रहे हैं, डिक्लाइन प्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा अब एक पोजीशन देख सकते हो, ये लोअर चेस्ट के लिए होती है, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम पिक डेक फ्लाई करेंगे इसके साथ जो कॉन्सेप्ट है। आ जाओ लव, आ जाओ। अच्छा थोड़ा पास हो जाओ, ठीक है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। पूरे हाथ पीछे आना, ये देख रहे हो पूरा मसल प्रेस हो रहा है। अब जो ये पोजीशन है तो पूरी चेस्ट पे आएगा ये, ठीक है। चल, वेरी गुड, वेरी गुड। अब पोजीशन चेंज कर ले, हैंड्स ऊपर कर ले, ऐसे कर ले। हाँ चल, हाँ बिल्कुल, एल्बो उठा ले थोड़ी। हाँ वेरी गुड, अब लोअर पोजीशन पे आएगा पूरा फैक्ट। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। बस देख लेते हैं कंप्लीट। अब मैं ये बताना चाहूँगा, टोटल हमने 8 एक्सरसाइज करी है, जिसमें पहले हमने मारा बेंच प्रेस रोड, फिर बेंच पे डंबल कह लो या नीचे जो मैंने डंबल कराया वो हो गया, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड पे डंबल, बेंच फ्लाई एंड इंक्लाइंड फ्लाई, डिक्लाइन बेंच प्रेस रोड, पिक डेक फ्लाई। अब मैं आपको ये बताऊँगा, ये हमने नॉन स्टेप्स ले करी, मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने आपको दिखाना था कि उनका कैसे चलेगा। जब आप लोग करोगे, पहले आपने बेंच प्रेस रोड करनी है, बिना रेस्ट करे बेंच पे डंबल करने, ठीक है। डंबल बेंच पे कर सकते हो, जो मैंने आपको पोजीशन बताई जमीन पे उस पर कर सकते हो, उसमें हैंड्स बिल्कुल नहीं, ट्राई करके देख सकते हो आप, ठीक है। वो आपने एक सेट मारा, ऐसे आपको 4 सेट करने हैं। अगर मैंने इसमें लिखे हैं 10 रैप तो आपको 10 करने, 10 के 4 सेट बेंच के, 10 के 4 सेट लिए, ठीक है। आपने एक सेट बेंच का मारा, दूसरा सेट आपने डंबल का मारा, ठीक है, ओके। तो वैसे ही इंक्लाइंड पे भी रहेगा सेम, फिर नॉन स्टॉप ऐसे ही जैसे बेंच पे फ्लाई करी, फिर इंक्लाइंड फ्लाई करी, ठीक है। ये होगी टोटल आपकी 6 एक्सरसाइज। सातवीं एक्सरसाइज आपकी आ गई डिक्लाइन प्रेस। जैसे आपने डिक्लाइन प्रेस खत्म करी, 10 रैप मारे, 12 रैप जो भी हुए व्हाटएवर, उसके बाद अपने अपने क्या नाम पिक डेक फ्लाई मारनी, ओके। ये आप फॉलो करो, आप में एकदम स्टैमिना बहुत जल्दी बिल्ड होगा, इंक्लूड पावर बढ़ेगी एंड साइज बढ़ने में आप में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और प्लस पंपिंग बहुत अच्छी आएगी मसल के अंदर जो आपकी आएगी, ओके। बट इसके लिए और कुछ जो भी चीज़ें डाइट वगैरह आपको ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि तो इसमें आपका शरीर जल्दी थक जाएगा। जैसे लव अभी थक चुका है काफ़ी ज़्यादा, लव आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं तो देखा जाए कि मसल पूरा पंप बहुत जल्दी हुआ, मैंने चाहे सबका एक एक सेट कराया, इसे आप देख सकते हो काफ़ी उठी है, ठीक है। बट ये है कि आज में थके, हमने नोट तो बनाई तो उसमें थोड़ा ज़्यादा थक गया, तो मैंने आपको थोड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म करी है ये वीडियो। आप मुझे थोड़ा इसमें रिस्पॉन्स करो और सब्सक्राइब करो कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो डाल सकूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाला हुआ है, आप मुझे वहाँ से वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ऑनलाइन कोचिंग भी देता हूँ, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भी कुछ चीज़ें आपको पूछ सकती नहीं है, डाइट वगैरह तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे पूछ सकते हो, जो भी होगा आपको समझाऊँगा, कोई गलत चीज़ नहीं है, एकदम प्रॉपर गाइड करता हूँ, ऐसा कोई धोखेबाजी वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और आप ये प्लीज़ ये वीडियो देखो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो ला सकूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए।